कंटीन्यूअस माइनर। कंटीन्यूअस माइनर का मतलब होता है बिना रुके खनन कार्य करने वाला। जैसा कि हम इसके नाम से ही जान सकते हैं कि इस मशीन को खनन कार्य करते वक्त बीच में रुकने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह मशीन खुद ही कोयले के फेस को काटने में सक्षम होती है, इसलिए हमें ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं होती। ऐसे में दगान के लिए लगने वाला पूरा अतिरिक्त समय बच जाता है और बिना रुके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोयला निकालना संभव हो जाता है। इस मशीन में कोयले की परतों को काटने के लिए कटिंग हेड होता है। ये 3.3 मीटर चौड़ा 1.12 मीटर व्यास का अलॉय ड्रम होता है। इस ड्रम में 66 गटर लगे होते हैं। इस कटिंग हेड को हाइड्रोलिक्स के सहारे जमीन से 4.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। कोयला काटते वक्त पहले इस कटिंग हेड को ऊपर उठाते हैं और इसे 170 किलोवाट क्षमता की दो मोटरों द्वारा घुमाया जाता है। फिर रूफ से फ्लोर की ओर ये फेस को काटना शुरू करता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सहारे नीचे तक कोयला काटता चला जाता है। काटा हुआ कोयला वही फेस के पास नीचे कंटीन्यूअस माइनर के सामने गिरता है। इसे समेटने के लिए कंटीन्यूअस माइनर में गैदरिंग आर्म्स लगाए गए हैं। इस कोयले को कंटीन्यूअस माइनर के पीछे शटल कार तक ले जाने के लिए इसमें एक चेन कन्वेयर लगा होता है जो डिस्पैच जिप द्वारा कोयले को मशीन के पीछे शटल कार में डाल देता है। इस चेन कन्वेयर की चौड़ाई 760 मिलीमीटर की है और ये एक मिनट में लगभग 30 टन कोयला ढो सकता है। काम करने में सुविधा हो इसलिए डिलीवरी जिप 45 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ घूम सकती है और 2.41 मीटर की ऊंचाई तक भी उठ सकती है, जिससे आसानी से उसके नीचे शटल कार आ सके। कुल 40 टन वजन की इस मशीन के नीचे क्रॉलर चेन लगी होती है जिसके सहारे इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ये मशीन बिजली की 2 डीसी मोटर्स पर चलाई जाती है। इस मशीन का उपयोग करके प्रति घंटा 500 टन कोयले का उत्पादन कर सकते हैं। ये मशीन रेडियो रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाई जाती है ताकि इसे चलाने वाला ऑपरेटर सुरक्षित जगह खड़ा होकर इसे चला सके। मशीन में और भी कई सुरक्षा साधन लगाए गए हैं जिससे कि मशीन पर काम करने वाले ऑपरेटर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसे कि कंटीन्यूअस माइनर से कोयले को काटते वक्त काफी मात्रा में कोल डस्ट पैदा होती है, इसलिए इस मशीन में ही एक इनबिल्ट डस्ट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इस डस्ट कंट्रोल सिस्टम में कटिंग हेड के दोनों तरफ से पानी के फव्वारे निकलकर उड़ने वाली धूल को नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि इस कोल डस्ट से खान कर्मी की सेहत को कोई नुकसान पहुंचने से रोका जा सके। इस पानी के फव्वारे के लिए इस मशीन को 12 बार दबाव के पानी के सप्लाई की जरूरत होती है। बराबर दबाव के पानी का सप्लाई न होने पर ये मशीन शुरू ही नहीं होती। मशीन के अन्य कार्य हाइड्रोलिक सिस्टम पर चलते हैं, साथ ही इसमें फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर, ऑनबोर्ड आइसोलेटेड स्विच, ऑनलोड ऑफलोड इंडिकेटर और अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन जैसे कई सुरक्षा के उपाय हैं। साथ ही इसमें मीथेन गैस और तापमान के मॉनिटरिंग की सुविधा भी दी गई है। मशीन को ऑपरेट करने का कुल समय जांचने के लिए कन्वेयर सर्किट में आवर मीटर लगाया गया है। शटल कार। कंटीन्यूअस माइनर द्वारा काटे गए कोयले का वहन करने का काम शटल कार का होता है जो 1100 वोल्ट के सप्लाई पर चलाई जाती है। ये मशीन एक समय 13.6 टन तक कोयले का वहन कर सकती है। इस मशीन में हाइड्रोलिक मोटर द्वारा केबल को अपने आप लपेटने की व्यवस्था की गई है, जिस कारण इसे एसडीएल जैसी मशीनों की तरह केबल मैन की जरूरत नहीं होती। वैसे तो शटल कार में लगा केबल 200 मीटर लंबाई का होता है, मगर शटल कार को चलाने की सुरक्षित दूरी 160 मीटर ही तय की गई है। डिलीवरी जिप से गिरा हुआ कोयला शटल कार में लगे हुए एक चेन द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाया जाता है, जिससे शटल कार को पूरी तरह से कोयले से भर सके। सामान्यतः एक कंटीन्यूअस माइनर के साथ 2 शटल कार काम करती है, ताकि एक शटल कार जब तक कोयले का वहन कर रही हो तब तक दूसरी शटल कार भरी जा सके और कंटीन्यूअस माइनर को कोयला काटते वक्त बीच में रुकना न पड़े। इन शटल कार्स की आपस में भिड़ंत ना हो इसलिए इनके चलने का रास्ता पूर्वानुमानित रूप से अलग अलग रखा गया है।